रामपुर गांव के लोग बहुत ही खुश रहते थे और उनकी खुशी का कारण था उनके गांव के दो जादुई पेड़। पहला था आम का जादुई पेड़ और दूसरा था संतरा का जादुई पेड़, जिनकी वजह से उनके गांव में किसी भी चीज का कोई भी कमी नहीं था। सारे गांव वाले धन दौलत से संपन्न थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी खुशी को नजर लग गई। एक बात तो आपने सुनी होगी, लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं उससे ज्यादा दुखी दूसरे के सुख देखकर होते हैं, और यही कहानी रामपुर गांव की है। उस गांव के सारे पड़ोसी गांव उनकी इस खुशी से जलते थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनकी इस खुशी के कारण दो पेड़ थे, जिनमें सोने के आम और सोने की संतरा लगते थे, जिन्हें गांव वाले तोड़कर और उन्हें पिघलाकर उनके गहने बनाकर बेचते थे, जिसमें जो भी कमाई होती थी सारे गांव वाले आपस में बांट लेते थे और इसी तरह उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन पड़ोसी के गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अपने कुछ आदमियों को रामपुर गांव में छोड़ दिया। उन्हें ये सब कुछ पता करना था कि आखिर रामपुर गांव वाले इतना पैसा कहां से लाते हैं। पड़ोस वाले गांव के दो लोग रामपुर गांव में घूमने लगे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे थे। वे सब जगह देखने लगे, ढूंढने लगे और रामपुर गांव के लोगों से बातें भी करने लगे। उन्हें सिर्फ यही जानना था कि वे लोग पैसे कहां से कमाते हैं। दो दिन बाद उन लोगों को उस जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया। उन्होंने जाकर सबको पता दिया। पड़ोसी गांव वालों के मन में अब लालच आ गया था। उन्होंने उस जादुई पेड़ को तोड़ने का प्लान बना दिया और पड़ोस के कुछ लोग रात में रामपुर चले गए और उन लोगों ने उस जादुई पेड़ को तोड़कर अपने गांव में लेकर आ गए। पड़ोस के गांव वालों ने उन जादुई पेड़ को अपने गांव में छुपा लिया। जब सुबह हो गई तो रामपुर गांव वालों ने देखा कि उनका जादुई पेड़ गायब हो चुका था। वे सब लोग बहुत ही दुखी हो गए। रामपुर गांव वालों को लगा कि शायद जादुई पेड़ की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए अब वे जादुई पेड़ गायब हो चुके हैं और रामपुर गांव वालों ने जादुई पेड़ के बारे में सोचना बंद कर लिया। दूसरी जगह पड़ोस के गांव वाले वे जादुई पेड़ से बहुत से पैसे कमाने लगे। वे जादुई पेड़ से सोने के आम और संतरा को बेचकर पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब उनका लालच बहुत ही बढ़ गया था। उन्होंने सोचा जब वे दोनों जादुई पेड़ सोने का आम और संतरा देते हैं, अगर हम इस पेड़ को काट ले तो हमें पूरा सोना मिल जाएगा, जिसके अंदर लकड़ियां भी सोने की होगी। और इस लालच से उन पड़ोसी गांव वालों ने फिर से एक प्लान बनाया। अब उनका प्लान था उस जादुई पेड़ को काटने का और रात में वे लोग उस पेड़ को काटने के लिए चले गए। वे लोग उस पेड़ को काट ही रहे थे तभी उस पेड़ से एक भयानक रोशनी बाहर आ गई और थोड़ी देर में वह रोशनी चली गई। जब पड़ोस के गांव वालों ने आसपास देखा तो उन्हें समझ आया
कि वे जादुई पेड़ के साथ वे रामपुर में आ गए हैं। उस जादुई पेड़ ने उन लोगों को अपने ऊपर रख लिया। पड़ोस के गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस आवाज को सुनकर रामपुर के गांव वाले जाग गए और उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। वे उस जादुई पेड़ को देखकर बहुत ही चौंक गए। तभी उनकी नजर पड़ोस के गांव वालों पर पड़ी। उनके हाथ में पेड़ काटने का हथियार देखकर वे भी चौंक गए। उन सभी लोगों ने माफी मांगी और कहा कि अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बोल के वे जादुई पेड़ से माफी मांगने लगे। फिर उस पेड़ ने उन लोगों को छोड़ दिया और वे लोग वहां से चले गए और फिर कभी दोबारा लौटकर रामपुर गांव में नहीं आए, क्योंकि उन लोगों ने सीख लिया था कि लालच का फल बुरा होता है।